नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश महेश्वरी। हमारे चैनल लेनदेन न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से आप बॉलीवुड की कई हस्तियों से मिल चुके हैं, जिनके बारे में हम आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड और टेलीविज़न के जाने माने कलाकार कुलदीप सरीन जी। कुलदीप सरीन जी के माया नगरी तक पहुंचने के खट्टे मीठे अनुभव के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं। क्राइम पेट्रोल से इनको जो पहचान मिली है, उसी के बाद हम आज आगे की बातचीत कर रहे हैं। कुलदीप जी नमस्कार। सबसे पहले आप जब थिएटर कर रहे थे तो कौन सा ऐसा मोड़ आया जहां आपको माया नगरी की तरफ चांस मिला? थैंक यू दर्शकों, थैंक यू दिनेश जी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का अवसर दिया। यहाँ तक रहा सवाल कि थिएटर के अंदर जो ऐसी कौन सी परेशानियाँ, कौन सी दिक्कत थी जिसने मजबूर किया कि बॉम्बे शहर की तरफ आप रुक करें? ये एक्चुअली मैं इसका आंसर दे देता हूँ, लेकिन इस तरह के जवाब दे दे के ना मैं दरअसल थक चुका हूँ। लोग मेरे प्रीवियस इंटरव्यूज़ देखते हैं। सर, मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं बड़े मंच पे भी ये बात बड़ी गंभीरता से उठाऊँगा कि हमारे थिएटर रंगमंच व्यवस्था के अंदर, हमारे पूरे सेटअप के अंदर, थिएटर पूरे सेटअप के अंदर कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं ही नहीं। एक एक्टर को मजबूर हो जाना पड़ता है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखने के लिए। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं दिल्ली थिएटर के अंदर, दिल्ली रंगमंच पे, राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में था, बहुत खुश था, अच्छी सैलरी थी, मेरा परिवार वहाँ पर था और मैं बहुत खुश था थिएटर करके। लेकिन NSD रेपेट्री में भी 5 या 6 साल के बाद आपको निकाल दिया जाता है। उसके बाद आप क्या करो? अमेच्योर थिएटर करो, जो जगह जगह लोग अभाव में थिएटर कर रहे हैं पैसा इकट्ठा करके। आज 1 लाख रुपये ऑडिटोरियम का किराया है, 80,000 रुपये दूसरे ऑडिटोरियम का किराया है, तीसरे का 45,000 रुपये। वो डायरेक्टर 2 महीने तक रिहर्सल करे, 45-50-80 हज़ार रुपये ऑडिटोरियम का दे, सेट का खर्चा करे, मेकअप कॉस्ट्यूम सारी चीज़ें करे, और टिकट लेने के जाम पर लोग, दर्शक उसको 200-500 रुपये का टिकट नहीं लेता, क्योंकि पासेस की ऐसी गंदी एक आदत पड़ चुकी है लोगों को, क्योंकि थिएटर लोग पसंद नहीं करते, और जो पसंद करते हैं वो करते हैं। लेकिन वहाँ पर भाई भतीजावाद की आपका नाटक है, आपने पास दे दिए, तो थिएटर से ना तो डायरेक्टर का ना एक्टर का, किसी का सर्वाइवल नहीं हो पा रहा। जब आपको खाने के लिए मिलेगा ही नहीं, थिएटर से आपका सर्वाइवल होगा नहीं, तो ज़िंदगी तो सर रुक जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है कि थिएटर धीरे धीरे दम तोड़ रहा है? नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में थिएटर तो सर कलाकार आदमी है, और आजकल के यंगस्टर को पता लग गया है कि थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। तो लोग आजकल यंगस्टर और स्कूल कॉलेजेस में, मीडिया में वो करते हैं और थिएटर कर रहे हैं। थिएटर तो चल रहा है, अभाव में थिएटर चल रहा है। ना तो स्पॉन्सर ऐसे मिल पा रहे हैं हमारे को कि जो शोज़ के लिए कहें कि सर हम आपको 2 लाख रुपये देते हैं। कुछ गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं ग्रुप्स हैं जिनको गवर्नमेंट की एड या ग्रांट मिल जाती है, लेकिन जो अमेच्योर दूसरा थिएटर कर रहे हैं, दूसरे लोग हैं, वो सर अभाव में कर रहे हैं। रहा सवाल एक कलाकार का, मैं कलाकार, चूंकि मैं कलाकार हूं तो इसलिए मैं कलाकार की व्यथा को जान पाता हूं। बहुत से ऐसे कलाकार मेरे दोस्त हैं जिन्होंने शादी नहीं की, इसलिए शादी नहीं की कि सर हम ही सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो अपनी पत्नी को क्या खिलाएंगे, और दूसरा अगर पत्नी को खिला भी देंगे और शादी अगर हो भी जाएगी तो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। बच्चा इसलिए पैदा नहीं कर पा रहे कि यार इसको क्या खिलाएंगे, क्योंकि थिएटर के अंदर सर्वाइवल नहीं है। तो मैं थिएटर व्यवस्था में बैठे हुए मिनिस्ट्री के लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे सरकारें कोई भी हो, मैं उनका इशारा करना चाहता हूं, और ऐसे लोगों को, ऐसे कलाकारों को जिनके पास में कोई ठप्पा नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है कि आप फला इंस्टीट्यूट से हैं, वो जो अमेच्योर थिएटर कर रहा है उसको ना तो सरकारी नौकरियों में नौकरी मिलती है, गवर्नमेंट में कहीं भी आप अप्लाई करने जाओगे कहेंगे सर आपके पास ठप्पा नहीं है, क्या आप कहीं से ग्रेजुएट नहीं है। तो जो आदमी मुफलिसी में थिएटर कर रहा है, ना तो उसको सरकारी नौकरी मिल पा रही है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ना कहीं वो पढ़ाने लायक बन पा रहे हैं, और मजबूर होकर उनको बॉम्बे की तरफ देखना पड़ता है। और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री ने भी अगर उसको नकार दिया या काम नहीं मिल पाया, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे से भी बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन आज घर पे बैठे, काम नहीं उनके पास में। मैं अगला सवाल आपसे शुरू करूं कि जहां तक मैंने सुना है कि आप बॉलीवुड के कलाकारों को अभिनय का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, तो ऐसे कोई कलाकारों के नाम तो हम नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन
क्या आज वो किसी मुकाम पे पहुंचे हैं और क्या आपके प्रशिक्षण से उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें टेलीविज़न पे आप ही ने कहा कि नाम नहीं लेना चाहते, अच्छी बात है। टीवी पे बहुत सारे एक्टर दिखाई देते हैं जो मेरे द्वारा ट्रेन किए गए एक्टर्स हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जिन्होंने फिल्म ओरिएंटेड वर्कशॉप मुझसे की है डायरेक्टर के रेफरेंस से कि कुलदीप जी से आप इस तरह की वर्कशॉप करो। सर मैं पढ़ाना, हर आदमी नहीं पढ़ा पाता, पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, तो मैं पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। अनुपम खेर साहब ने भी लोगों को टीच किया है, पढ़ाया है, जब अनुपम खेर नहीं हुए थे। आज भी उनका एक बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बॉम्बे में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, क्योंकि वो शुरू से पढ़ाते थे तो आज उन्होंने बॉम्बे में इंस्टीट्यूट डाल दिया। तो पढ़ाने का मेरा शौक था तो मैं पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारी फिल्म ओरिएंटेड वर्कशॉप करता हूँ मैं जो फिल्म के लिए, तो उनके हीरो हीरोइंस उन सबको मैं ट्रेन करता हूँ। मैं कुछ इंस्टीट्यूट के लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर हैं, तो वहाँ जाता हूँ एज ए स्पेशल चीफ गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाता हूँ, वहाँ पढ़ाता हूँ मैं, और कुछ लोगों के साथ में मैं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाता हूँ। तो बस सफ़र चल रहा है, बाकी अभिनय करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपके आने वाली फिल्में कौन सी हैं? मेरी आने वाली फिल्म में एक बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट है, हालांकि उस पर फैसला आ गया, तीन तलाक। तीन तलाक पे मेरी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है फिर से शादी, उसमें हलाला जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। एक और फिल्म है मेरी गुल मकई, जो क्या कहते हैं तालिबानीज़ और पाकिस्तानी के जो इंटरनल वॉर हैं, और मलाला यूसुफ़ई जो उसमें हैं, तो उसको बैकग्राउंड में लेते हुए, उसके साथ मिलते हुए, तो एक मेरी फिल्म आ रही है गुलमकई, जिसका अभी लंदन फिल्म फेस्टिवल के अंदर फेस्टिवल्स में दिखाई जा रही है, फिल्म घूम रही है, बहुत अच्छा अप्रिशिएट हो रहा है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, क्योंकि उसका कैनवास, उसका टीजर मेरे को देखने का मौका मिला, बहुत ही शानदार है। तीसरी एक मेरी फिल्म आ रही है, कॉमेडी फिल्म है, नाम बड़ा अटपटा सा है, शायद लोग चाहते हैं कि अटपटा नाम रखा जाए, मुझे पसंद नहीं है, एनीवेज फिर भी फिल्म का नाम है फटी पड़ी है यार, तो एक वो कॉमेडी फिल्म है जिसमें बहुत बेहतरीन सेकंड मेन लीड मेरा रोल है। एक और फिल्म मैं कर रहा हूँ, मैं उस फिल्म का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी वो नाम शायद तय नहीं हुआ होगा। हाँ, तय नहीं हुआ है। उसमें काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट काम कर रही है, फैंटम की फिल्म है, अनुराग कश्यप और रिलायंस मिलकर एक फिल्म बना रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा रोल कर रहा हूँ उसमें, मज़ेदार फिल्म है, तो उसी का शूट चल रहा है मेरा अभी मेरठ में। आप इन दिनों में कोई टीवी सीरियल्स भी कर रहे हैं, जबकि आप काफ़ी पहले टीवी सीरियल्स भी क्या करते थे? जी, जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह, जिनका आपने एक बार जिक्र किया था, तो हैं कोई ऐसे सीरियल्स जिनमें आप काम कर रहे हैं? नहीं सर, अभी मैं कोई टेलीविज़न नहीं कर रहा हूँ। क्राइम पेट्रोल बिल्कुल आपने ठीक कहा, जहाँ से मैं पहचाना जाता हूँ इंस्पेक्टर की भूमिका से, तो क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर की भूमिका मैंने जब से मना की है तो वो किसी दूसरे रोल्स में मुझे बुला नहीं रहे, और मेरी भी कुछ ऐसी व्यस्तताएँ हैं कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कुछ राइटिंग का बचपन से शौक था, तो मैं मेरी किताब, शायद मेरी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, 7 से शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मैं उस पर लगा हुआ, तो मैं उस किताब को पूरा करने में लिखा हूँ, और बाकी फिल्म मैं कर ही रहा हूँ, और मैं फिल्म ही करना चाहता हूँ। करीबन आप 10-12 साल से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं जी, कोई ऐसी यादगार फिल्म आपकी रही हो जिसके लगता है कि मैंने आप बहुत अच्छा काम किया, उसके बारे में कोई जिक्र करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के सामने? बिल्कुल करना चाहूँगा, बड़ी 2-3 फिल्में, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है मेरी, एक स्ट्राइकर थी फिल्म, मतलब छोटा रोल था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था। क्या होता है कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपको बड़ा काम एकाएक, क्योंकि अनुराग कश्यप या सुभाष गई या यशराज को या करण जौहर को नहीं मालूम कुलदीप सर इन दिल्ली थिएटर में क्या कर रहे हैं, कैसे एक्टर हैं, वहाँ ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ हमारा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कोई माए बाप तो है नहीं, तो हमें ज़ीरो से शुरू करना होता है, और एक एक दो दो सीन ही हमें मिलते हैं। कई बार अब आजकल खुला ऑडिशन होता है और उसमें कई बार बड़े इंटरेस्टिंग बड़े रोल मिल जाते हैं,
तो शुरुआती दौर की बात है, मुझे स्ट्राइकर फिल्म में काम करने का मौका मिला था, बेहतरीन फिल्म थी, मेरा रोल छोटा था। रोल छोटा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उस फिल्म के अंदर मुझे काम करते हुए बहुत मज़ा आया, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो फिल्म चली नहीं। लोगों का मतलब है कि रोल छोटा होना माने ही नहीं रखता, लेकिन वो रोल जो कुछ क्षण का ही हो लेकिन उसमें आपका इम्प्रेशन, आपका प्रभाव दर्शकों तक किस हद तक पहुँचता, वो सबसे बड़ी बात। जी जी जी, थैंक यू कुलदीप जी, आज आपने हमारे दर्शकों के बीच में अपने दिल के उद्गार प्रकट किए, उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू दर्शकों।